मुंबई में हो रही है मुसीबत की बारिश। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अलग अलग जगहों पर जाकर आपको ताजा तस्वीर दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हाल कितना ज्यादा बेहाल है मुंबई का। मुंबई की अंधेरी से देखिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके में है, अंधेरी हाईवे के नजदीक यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़कों के किनारे पानी भरा हुआ है। इस वक्त बारिश हल्की हुई है, बावजूद इसके सड़कों के किनारे पानी भरे होने से गाड़ियों की आवाजाही काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। सड़कों का हाल देखें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रैफिक का क्या हाल है। लोग घंटों से अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं। 2 बजे के बाद से ही लोग अपने दफ्तरों से निकलना शुरू हो गए थे, लेकिन तेज बारिश के चलते, साथ ही साथ मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनें बंद होने के चलते अभी भी लोग अपने घरों तक नहीं पहुँच पाए हैं। आप सड़कों के किनारे देखें तो लोग एक किनारे से किस प्रकार से एक दूसरे की मदद करते हुए घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने ये तस्वीरें देखी, मुंबई के दौड़ते भागते हुए तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज मुंबई को तेज बारिश ने रेंगने पर मजबूर कर दिया है। सड़क के इस किनारे का हाल आप देखिए, आपको सड़क के दूसरे किनारे का हाल दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से पानी भरा हुआ है, लोगों को पानी के बीच में से गुजरना पड़ रहा है। इस रास्ते से होते हुए लोग अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये आप सीढ़ी देख सकते हैं, ये मेट्रो स्टेशन की सीढ़ी है, यह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन है और लोग यहाँ से उतरने के बाद इन पानियों में से होते हुए सड़क पर पहुँच रहे हैं और अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ आज 2 बजे के बाद से ही लोग घरों से निकलने लगे थे, जो काम के लिए निकलने थे वो अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन लगातार तेज बारिश की वजह से कहीं ना कहीं मुंबई की रफ्तार पर लगाम लग गई। और ये चारों तरफ जिस प्रकार से पानी भरा हुआ है, ये तस्वीर दिखाती है कि तेज बारिश ने मुंबई का क्या हाल रखा है। मुंबई के कई निचले इलाकों में इसी प्रकार से पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने आह्वान किया है कि यदि कोई आवश्यक काम ना हो तो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। अभी फिलहाल मुंबई में शाम के वक्त बारिश हल्की हुई है, लेकिन दक्षिण मुंबई में लगातार तेज बारिश हो रही है। ऐसे पर मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले 24 से 48 घंटों में इसी प्रकार से तेज बारिश होती रहेगी। लोग सावधानी बरतें, साथ ही साथ अपनी सुरक्षा का ख्याल करें। मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। मुंबई में हो रही लगातार तेज बारिश ने मुंबई के यातायात को ठप कर दिया है। दौड़ती भागती मुंबई को आज रेंगने पर मजबूर कर दिया है। हम इस वक्त मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में हैं। अंधेरी ईस्ट इलाके की आप ये तस्वीरें देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि आवाजाही किस प्रकार से प्रभावित हुई है। सड़कों पर से गाड़ियां नदारद हैं, जो गाड़ियां चल रही हैं वो भारी बारिश और जल जमाव की वजह से बंद पड़ जा रही है। इस बेस्ट की बस को आप देखें, 496 नंबर की ये सिर्फ जाने वाली बस जो कि बंद पड़ गई है। हमारे साथ बेस्ट के कंडक्टर हैं। दादा बताइए क्या हुआ, कब से बंद पड़ी है, यात्रियों को कहाँ कैसे जाना पड़ा? बस को कम से कम आधा घंटा हो गया, बस बंद पड़ गई। इधर से बस के साइलेंसर के अंदर पानी जाने की वजह से बस बंद पड़ गई है। अच्छा। और यात्री अभी चल के चले गए, आधा घंटा हो गया। और आज बहुत दिन भर बारिश हुई तो आप लोगों को भी गाड़ी चलाने में और यात्रियों को मैनेज करने में बड़ी दिक्कत हुई होगी? हाँ जी, आप जो देख रहे थे, मैं 3 बजे छूटने वाला था और कम से कम 6 बज गया और यात्रियों को सेंट्रल लाइन जाम होने की वजह से वो भी ट्रेन के पैसेंजर पूरे परेशान हो गए थे। इसकी वजह से हम लोग भी आज बहुत परेशान है। हम लोग बांद्रा से चल के आ रहे हैं, पहले ट्रेन से हम लोग आए, फिर प्लेटफॉर्म से चल के आए, रेलवे ट्रैक से चल के आए, अभी चल के आगे यहाँ से देख रहे तो पूरा भरा हुआ है। रिक्शा बस कुछ नहीं मिल रही है, बस भी मिलने का सुविधा नहीं है। बस तो मिलना चाहिए, एटलीस्ट हम लोग को बस नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है, ऐसा होना नहीं है। बांद्रा से आ रहे हैं विरार जाना है और यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है कि अब जा ही नहीं सकते, कोई ये ही नहीं, साधन नहीं है। और विरार तो बहुत दूर है, तो क्या विकल्प है आपके पास? आप कोई विकल्प नहीं, देखेंगे स्टेशन तक जाके अगर कोई ट्रेन मिली तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन नहीं है। तो आइए आपको यहाँ के अंधेरी ईस्ट के इलाके की तस्वीरें दिखाते हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, आप देखें तो सड़कों के किनारे लोग पैदल चलते हुए अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। जो गाड़ियाँ जा रही हैं उसके पहिए पानी में डूबे हुए हैं। दूर आपको नजर आएगा कि बेस्ट की जो बसें हैं वो बसें पूरी तरह से बंद पड़ चुकी हैं, क्योंकि साइलेंसर में पानी चले जाने की वजह से बसें बंद पड़ जा रही हैं। आज कामकाजी दिन होने के बाद भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने घर जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 30,000 से अधिक कर्मचारी अभी भी अपने दफ्तरों में फंसे हुए हैं और अब उम्मीद सिर्फ यही है कि बारिश रुके, जल जमाव जो है वो पानी निकले, जिसके बाद जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने घरों की तरफ बढ़ सके। कैमरामैन नारायण परमार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। मुंबई की लाइफलाइन है लोकल ट्रेन और इस लोकल ट्रेन को सपोर्ट करती है मुंबई की बेस्ट की बसें, तब जाकर मुंबई का यातायात सुचारू रूप से चलता है। लेकिन आज तेज बारिश ने मुंबई की लाइफलाइन के साथ साथ बेस्ट की बसों को भी ठप कर दिया है। हम इस वक्त मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के करीब हैं। यह रास्ता अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास जाता है और ये जो तमाम लोग आपको दिख रहे हैं ये सभी लोग अंधेरी रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन सेवाएं बंद हैं,
ट्रेन नहीं चल रही है, चाहे सेंट्रल रेलवे हो चाहे वेस्टर्न रेलवे हो, ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है। ऐसे पर रेल सेवाएं बंद की गई हैं, लेकिन आप ये देखें सड़कों के किनारे जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से पानी से लबालब भरी हुई हैं। जल जमाव की वजह से जो बसें हैं वो बसें बंद पड़ी हुई हैं, और ऐसे पर यात्रियों के पास सिर्फ पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। या आप बेस्ट की बसों को देखें, चाहे सिंगल टेकर हो चाहे डबल टेकर बस हो, एक मंजिला बस हो, ये बसें बंद नजर आ रही हैं, क्योंकि तेज बारिश की वजह से इनके साइलेंसर में पानी चला गया, पानी भरने की वजह से साइलेंसर में पानी जाने की वजह से ये बसें बंद पड़ गई और इसमें से यात्रियों को पैदल जाना पड़ा। आप इस बस को देखें, यह भी बस बंद पड़ी हुई है और इसी तरह की लंबी कतार लगी हुई है बसों की, और यही बसें प्रतिदिन यात्रियों को अंधेरी स्टेशन तक पहुंचाती थी, वहां से यात्री ट्रेन के जरिए अपने घरों पर जाते थे। यह आप तीसरी बस देख रहे हैं, इसकी भी हालत यही है। इस बस के ठीक पीछे आप देखें तो जो तमाम बेस्ट की बसें हैं वो नज़र आएंगी। अमिताभ बच्चन का कोट है, प्रचार के लिए जवाब देने का वक्त आ गया है। दरअसल ये सवाल है, जवाब देने का वक्त है बीएमसी को, क्योंकि बीएमसी दावे तो करती है कि इस बार उसने इस प्रकार के इंतजाम किए हैं कि मुंबई में पानी नहीं भरेगा, लेकिन आप देखें तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। हर बार तेज बारिश में निचले इलाकों में पानी भर जाता है और इस बार तो मुंबई के निचले इलाकों के अलावा कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। आपने देखा कि किस प्रकार से जो यात्री हैं वो इससे परेशान हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो अपने घर पर पहुंचे, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक आवश्यक ना हो तब तक वो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे तक मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। कैमरामैन नारायण परमार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।